व्लॉग में हम लोग मिलना है सुनील शेट्टी सर से। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे कर देती उठा के फेंक दूंगा। अंदर बैठी देख सेठ, अंदर बैठी हुई थी तुम्हारी बैग की पूरी वाट लगा दी। देखो ना पूरा काला काला कर दिया नीचे। क्यों डांबर में रखा था क्या? सो हम लोग ऊंगते खांगते चींगते लांगते सात समुंदर पार से वर्सोवा आ गए। फ्रॉम इन द मिडल ऑफ द रेगिस्तान टू पानी के बाजू में वर्सोवा आए है। अनमोल साचार का कॉल आ रहा है क्योंकि लिए अनमोल साचार भी यही पे ही है। बिकॉज वी आर ये झूठ कर रहा है अपना व्लॉग। अरे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी तो व्लॉग। जी हाँ भाई बहनों, आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम लोग मिल रहे हैं सुनील शेट्टी सर से। क्यों नहीं बोल रहे? नहीं नहीं आपको दिखाएगा सच्चे ये झूठ बोल रहा है, बता रहा हूँ आपको। आप चलो आपको दिखाता हूँ। यानी वो जलता है, उसका बैग भी डांबर से गिर गया ना, इसके लिए ऐसा होता है। After how many time? After 7 जनों Last time बोला था कि अभी हम लोग डेली मिलेंगे। हम लोग उधर मिले थे Shark Tank के शूट पे मिले थे और ये अभी भी गुम हो गया। ये मिलता ही नहीं है। मतलब हम अगर इसके गांव आए तो ये हमसे मिलेगा? मिलेगा, ये हमारे गांव नहीं है। नहीं आएगा। मतलब ऐसा तेल का इतना भाव बढ़ गया है तो भी हम इधर आते हैं तेल जला के। सॉरी आवाज कम करो। आवाज कम करो। गेट आउट बोल रहे, गेट आउट। तुम्हारा टाइम है, हमारा नहीं है सर। है कि नहीं सर? आपको देख देख के बड़े हुए हैं एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। एंड ये बोलने की ये भी जरूरत नहीं कि मेरी पूरी फैमिली फैन है सर के। सो इट्स अमेजिंग दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सुनील शेट्टी सर। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड एन एडवाइस एंड अ गाइड टू ऑल ऑफ द फैन, आपके जितने भी फैंस हैं, कि आपने इतनी सारी मूवीज की है, लेट इट बी एक्शन कॉमेडी एवरीथिंग, एंड आपने OTT भी किया है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, एंड आज के जमाने में डिजिटल एज आता जा रहा है एंड हम सारे जो भी है ट्राई करें डिजिटल एज में आगे अपने आप को पुश करने के लिए। बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, एंड फ्रॉम यू यू हैव सच एंड सच अ वास्ट एक्सपीरियंस। आपकी तरफ से कुछ एडवाइस? यही कि यू नो यू गाइज आर क्रिएटिंग, यू शुड कीप क्रिएटिंग, ट्राई गेटिंग इनटू राइटिंग, ट्राई गेटिंग कि अलग अलग चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना जब भीड़ होती है ना कहीं तो आप वो भीड़ में यू शुड नेवर गेट लॉस्ट। आपका वो एक्स फैक्टर क्या है वो आपको जान लेना है। आज लोग आपको इतना प्यार करते हैं तो इस पे आप एड क्या कर सकते हो, आपके एक्स में क्या एड कर सकते हो, कैसे आप यंग थिंकर्स को अपने साथ जोड़ सकते हो ताकि वो क्वालिटी बढ़ता जाए, दूसरों को देख ना, दूसरों को समझना कि वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, व्हाई आर दे सो पॉपुलर। क्योंकि देखिए आप उसको अगर कंपटीशन सोचेंगे तो आपको उसमें अच्छाई कुछ नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि ये कमाल है यार ये और मुझे इसमें इसकी क्या बात अच्छी लगती है, तो आपको एक नई सीख मिलेगी। सो आई थिंक सिंपल रखोगे तो बहुत बेनिफिट। यू आर अ सुपर स्टार एक्शन हीरो। तो कभी ऐसा हुआ हम लोग तो जब ऐसे शूट करते हैं तब कोई मस्ती हस्ती करे तो और ऐसा कुछ एक्शन सीन होता तो हम तो सच में मार के देते गए, बैकस्टेज मस्ती करता ना, मुक्का मार के। बिल्कुल मारता नहीं, मैं खुद उल्टा बहुत मस्ती करता हूँ, मस्ती खोर हूँ मैं। खोना भी बहुत जरूरी है बिकॉज दैट कीप्स द एटमॉस्फेयर लाइटर, लोग काम करने में लोगों को मजा आता है क्योंकि फाइनली टीम ही है। एब्सोल्युटली, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। सर कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस न्यू सीरीज हंटर व्हिच इज कमिंग ऑन Amazon Mini TV? ओह, अ कैरेक्टर वेरी क्लोज टू मी, विक्रम सिन्हा, पागल है, पुलिस वाला है, बैड एस पुलिस वाला बुलाता हूँ मैं, एंड ही इज एन एस बिकॉज ही रोम्स अराउंड विद द रॉन्ग पीपल। लेकिन उसकी जर्नी में जब उसके साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी होती है इज व्हेन ही रियलाइजेस कि टूटे हुए इंसान हमेशा गलत राह पे चलते हैं, और उसमें भी उसे कुछ मिल जाता है जो एक बहुत बड़ी फैक्ट है इस सिटी की, उससे वो जुड़ जाता है और कैसे उससे निकलते निकलते खुद सुधर भी जाता है। इट्स दिस थ्रिल, दिस सस्पेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्शन। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच हंटर ऑन Amazon Mini TV अभी जाके देखो। टूटेगा नहीं, तोड़ेगा। क्या कर रहे हो? अरे यार ये हंटर का
पट्टा निकाला था और मेरे को बोला था पट्टा निकाल के दे, तो मैं पट्टा पहन गया। ये लोग खुद के पट्टे भी नहीं लाते, और ऐसा मतलब मैं क्या बोलूँ, गलत बात हो जाती है। चल तो पीछे देख तू कैसे लगा। ऐसे बेचारे लोग बैठे नहीं थे, और सच्ची वो सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, मेरी वही हालत है। तो बहुत लगी है। परसों में बाजू में क्या मिलेगा खाने के? सीधा उल्लास नगर मिलेगा यहाँ से। यार तू चल यार, 8 घंटा लगता है पहुँचने में यार। भूख लगी यार थोड़ा खाने की। हाँ चलेंगे ना, नहीं बोल रहा सीधा उल्लास नगर चलेंगे। नहीं बोल रहा सीधा उल्लास नगर चलेंगे। और कैसे खाएंगे, कुछ महंगा कितने यहाँ पे? ये भी बोल रहे चलेंगे। सबसे अच्छा तो ये था, मत कर। अगर आते हुए ट्रैफिक को आपने ध्यान में रखा होगा तो उस टाइम बैठ गाड़ी मैं ही चला रहा था, रिटर्न में भी ड्राइवर सीट में मैं बैठा हूँ। देखो छोटे भाई को, छोटे भाई को इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि गाड़ी तू चलाएगा ड्राइवर। एक मिनट 60 किलोमीटर 58 किलोमीटर इससे चलाया, 2 किलोमीटर इससे चलाया, एंड मोमेंट में आगे आया पूरा मलाई। मैंने कभी चालू हुआ 58 किलोमीटर भाई, दही जमा इसने और पराठा खाया। मैंने ओ माय गॉड, जिस तरीके से इसने पराठा खाया उस तरीके से हमने भी भेलपुरी खाया। हमने भी भेलपुरी खाया, सेवपुरी पानीपुरी तीनों खाया, और सूखा पुरी भी खाया। खाना बचा हुआ है वही लेके आया, वही खाऊंगा। उधर जो हमने खाना खाया था वो बचा हुआ है, जशन वो खाना खाएगा और मैं घर जाके सो जाएगा, क्योंकि हमारा काम होता है यहाँ पे खत्म। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट से बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर तुझे सीटी मारी ना फिर मैं तेरे को दिखाऊं इसकी सीटी। यार ये इसकी सीटी भेरा कर देती है। थैंक यू सो मच। 5 मिनट का हो गया व्लॉग। हमें चल रही गाड़ी। थैंक यू सो मच।